प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से फिलिप्पियों अध्याय 4 का वचन 6 लेकर आई हूँ कि किसी भी बात की चिंता मत करो। आज हम इस वचन के कुछ भेद को समझेंगे, तो चलिए भाइयों बहनों हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि फिलिप्पियों की कलीसिया को पौलुस लिखता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हालेलुया। यहाँ हम देख सकते हैं मेरे प्रियो कि एक मसीह विश्वासी के लिए एक उत्तम शिक्षा क्या है। ध्यान दें यहाँ कि क्यों परमेश्वर ने हमें कहा कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में धन्यवाद करो। क्योंकि मेरे प्रियो, धन्यवाद ही वह कुंजी है जो स्वर्ग से आशीषों को हमारे लिए रिलीज करती है। अब जरा समझें एक विशेष बात कि जब हम प्रभु में नहीं थे, अर्थात संसार की आदि शिक्षाओं के आधार पर दिन बिता रहे थे, तो जब हमें किसी भी बात की चिंता होती थी तब हम क्या करते थे? जी हाँ, सही समझा आपने, हम चिंता, चिंता और चिंता ही किया करते थे। और यहाँ तक कि कुछ तो चिंता कर करके बीमार ही पड़ जाते थे। परमेश्वर का धन्यवाद करना तो छोड़, हम तो परमेश्वर को कोसने ही लग जाते थे, जिससे चिंता कम तो कभी भी नहीं होती थी, वरन हमें डिप्रेशन में चले जाने की अवस्था आ जाती थी। और आज भी संसार के लोगों की यही दशा है, चिंता करना और चिंता करते करते डिप्रेस्ड हो जाना, जिसका समाधान से कोई लेना देना नहीं। लेकिन मेरे प्रियो, आज जो हमारे सीखने की विशेष बात है, अर्थात हम मसीहों के सीखने की जो विशेष बात है, वह है धन्यवाद करना और इस वचन को स्मरण रखना जो स्पष्टतः हमें कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हालेलुया। यहाँ हम एक वचन और देख लेंगे जो कि लिखा है एक पत्रस अध्याय 5 के वचन 7 में, जहाँ स्पष्टतः कहा गया है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। जी हाँ भाइयों बहनों, परमेश्वर को हमारा ध्यान है। वह सब कुछ जानता है कि हमारी आवश्यकताएं क्या है। वह हमें मांगने से बढ़कर देने वाला परमेश्वर है, फिर चाहे वह शारीरिक ज़रूरतें हों, आत्मिक ज़रूरतें हों या आर्थिक ज़रूरतें हों, उन सब की चिंता हमारे परमेश्वर को हमसे अधिक है। हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरे प्रियो, चिंता करने से हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, ना ही अपनी समस्या ही घटा सकते हैं। चिंता तो हमें परमेश्वर से और दूर ही ले जाती है, परंतु परमेश्वर से दूरी में नहीं, निकटता में मिलने वाला प्रभु है और निकटता में ही परमेश्वर से हमें भलाई मिलती है। हालेलुया। जी हाँ भाइयों बहनों, जितना हम परमेश्वर के निकट आएंगे, उतना ही वह भी हमारे निकट आएगा। और जब वह हमारे निकट आएगा तो कोई भी और किसी भी बात की चिंता, परेशानियाँ, संकट और समस्याएं हमारे निकट नहीं आ सकती। हालेलुया। जैसा कि हम इसी वचन में देखते भी हैं, जिसमें परमेश्वर चाहता है कि हमारी हर एक बात में निवेदन, प्रार्थना, विनती के साथ धन्यवाद शामिल हो और फिर वह परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। बस यही है वह कुंजी मेरे प्रियो, जिसमें हम हमारी हर चिंता का अंत व आशीषों का आरंभ देख सकते हैं। हालेलुया। बाइबल का एक एक वचन हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण और सामर्थी है। यदि हम इन वचनों को गहराई से अध्ययन करें और पवित्र आत्मा की सहायता से समझ लें, तो यह वचन कार्य करके ही लौटेगा, व्यर्थ हमारे पास वापस नहीं आएगा। तो मेरे प्रियो, अपनी चिंता को परमेश्वर पर डाल दें, उसको आपका ध्यान है। आप तो बस धन्यवाद करें हर एक विपरीत परिस्थिति में भी,
और अपनी प्रार्थना, विनती और निवेदन धन्यवाद के साथ ही परमेश्वर को अर्पित करें। मेरे प्रियो, बाइबल हमें धन्यवाद की ताकत के विषय सिखाती है, जो कि बंद दरवाजों को भी खोल सकती है। अभी हमने जाना कि संसार के लोग चिंता में डूब जाते हैं, डिप्रेशन व बीमारियों में चले जाते हैं और अंत में छोटी आयु में मृत्यु को चले जाते हैं, क्योंकि वह नहीं जानते बाइबल को व बाइबल के आधार पर की जाने वाली धन्यवाद की पावर और ताकत को। आप जानते हैं क्या कि चिंता में, दुख तकलीफों में और संकटों में भी जब हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं तो शैतान को बहुत तकलीफ होती है। और मेरे प्रियो, जहां उसे तकलीफ होती है वहां पर वह ठहर नहीं सकता, और यह गुप्त भेद परमेश्वर ने हम मसीहों पर ही प्रकट भी किया है कि हमें विपरीत परिस्थितियों में, चिंताओं में धन्यवाद के साथ अपनी प्रार्थना, निवेदन परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करना है। इससे हमारी चिंता भी घटेगी और परमेश्वर की शांति भी हमें प्राप्त होगी। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज ही से इस वचन को अंगीकार करें, इसकी जड़ में खुद को मजबूत करें, चिंता छोड़कर धन्यवाद करना आरंभ करें। फिर देखें कैसे शत्रु की शहरपना आपके जीवन से डिस्ट्रॉय होती है और परमेश्वर की शांति व उसका समाधान आपके जीवन में रिलीज किया जाता है। यही है वह कुंजी मेरे प्रियो, जो पौलुस फिलिपियों की कलीसियाओं को सिखा रहे थे, और आज परमेश्वर हमें भी इसी वचन के आधार पर स्वर्गीय आशीषों को हम कैसे प्राप्त करें वह सिखा रहे हैं। तो मेरे प्रियो, चिंता करके अपने जीवन को संकट में और ना डालें, वरन चिंता के समय पूरे सामर्थ के साथ, सच्चाई के साथ परमेश्वर को धन्यवाद करें, क्योंकि जब जब हम धन्यवाद देते हैं तब तब शत्रु की ताकत हमारे जीवन से टूटती जाती है और हमारी चिंताएं घटती जाती हैं और परमेश्वर की बड़ी शांति और उसका सामर्थ्य हाथ धन्यवाद के द्वारा ही हमारे जीवन में रिलीज किया जाता है, और स्वर्गीय आशीषों का द्वार भी हमारे जीवन में धन्यवाद के द्वारा ही खुलता जाता है। तो मेरे प्रियो, आज हमें यही सीखना है कि हम किसी भी बात की चिंता ना करें, वरन हर एक बात में अपने प्रार्थना, निवेदन और विनती को धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करें, और फिर देखें कि किस प्रकार हमारी चिंताओं का अंत होता है और हमारी आशीषों का आरंभ होता है। हालेलुया। आशा करती हूँ इस छोटे से वचन का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। प्रभु आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।